आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी ने कहा इस बार दिवाली बेटियों के नाम, बेटियों के अचीवमेंट को दिवाली पर सेलिब्रेट करें। राहुल गांधी ने कहा मोदी झूठ बोलते हैं, ना बैंक अकाउंट में 6,000 आए ना 15 लाख। बीएसपी प्रमुख मायावती बदलेंगे अपना धर्म, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बनेंगे। विधायक नारायण त्रिपाठी ने दिया कमलनाथ को झटका, त्रिपाठी ने कहा कांग्रेस में गया ही नहीं। और एमपी में काली कमाई के एक और कुबेर का खुलासा, सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के ठिकानों पर छापा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। हरियाणा के चरखी दादरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली दो तरह की है, एक दीपों वाली दिवाली और एक कमल वाली दिवाली। हमें इस बार दिवाली को हमारी बेटियों को समर्पित करना चाहिए और उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार की दिवाली बेटियों के लिए समर्पित करना चाहिए और उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा में चुनावी रैली के लिए नहीं आया हूं, मैं हरियाणा में भाजपा के लिए कैंपेन नहीं कर रहा हूं, हरियाणा में मुझे खुद बुलाया है, मैं खुद को यहाँ आने से नहीं रोक सका हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है। हरियाणा में मैं चुनाव सभा के लिए नहीं आता हूं, नहीं मैं हरियाणा में आपसे वोट मांगता हूं, हरियाणा मुझे खींच के ले आता है जी। मैं अपने आप को हरियाणा आने से रोक ही नहीं सकता हूं, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। और मैं आता हूं आपको प्रणाम करने के लिए, आपके बार बार आशीर्वाद लेने के लिए। हरियाणा में 21 अक्टूबर को मतदान होना है, ऐसे में राजनीतिक दलों के पास अब प्रचार के लिए एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से खुद पीएम मोदी ने कमान संभाली हुई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जनता के बीच जाकर भाजपा के खिलाफ राफेल उड़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर बैंक खाते में 6,000 रुपए डाले जाएंगे, उससे पहले चुनाव में कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, लेकिन मिले क्या? जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोलकर आते हैं। राहुल गांधी यवतमाल में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा अब तक किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए हैं, ना 6,000। नरेंद्र मोदी ने जहां भी जाते हैं झूठ बोलकर चले आते हैं। राहुल ने कहा लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर बैंक खाते में 6,000 रुपए डाले जाएंगे, इससे पहले चुनाव में कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, लेकिन क्या मिले? लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए डाले जाएंगे, मिले? मिले? पिछले चुनाव में कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, मिले? नहीं मिले? 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वह विदेश से काला धन वापस लाएगी और वहां इतना काला धन है कि हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। बीजेपी की इसी बात को आधार बनाकर कांग्रेस हमेशा उसे घेरती रही है और झूठे वादे करने का आरोप लगाती रही है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किसानों के खातों में 6,000 रुपए भेजने का वादा किया है। राहुल गांधी ने इन्हीं दो मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची
बसपा चीफ मायावती ने ऐलान करते हुए कहा कि जब सही वक्त आएगा तो वो बौद्ध धर्म अपना लेंगे। अपनी चुनावी रैली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, बाबा साहब ने अपने देहांत से पहले अपना धर्म बदल लिया था। आप लोग सोचते होंगे कि कब बहन जी बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी बौद्ध धर्म की अनुयायी बनने के लिए दीक्षा अवश्य लूंगी, लेकिन यह तब होगा जब इसका सही समय आएगा। चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ धर्मांतरण करेंगे और मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगी। धर्मांतरण की यह प्रक्रिया तब संभव है जब बाबा साहब के अनुयायी राजनीतिक जीवन में भी उनके बताए रास्ते पर चलें। मायावती ने इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का विरोध करते हुए कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। मायावती बोली कि बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म निरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाया था, उन्होंने धर्म निरपेक्षता के आधार पर सभी धर्म के लोगों का ख्याल रखा था। RSS प्रमुख को इस तरह का बयान देने से पहले सच्चर समिति की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा जरूर लूंगी, किंतु सही व उचित समय पर, जब मेरे साथ पूरे देश में बड़ी भारी तादाद में लोग धर्म परिवर्तन करें। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने मोदी सरकार को मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विफल नीतियों की वजह से मौजूदा आर्थिक सुस्ती आई है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्तारूढ़ BJP की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए, दलितों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को रोकने के लिए आंतरिक समझ है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को झटका देते हुए मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपना पल्ला फिर से बदल दिया है। विधायक त्रिपाठी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और ऐलान किया कि वो कभी कांग्रेस में गए ही नहीं थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि त्रिपाठी कहीं नहीं गए थे, वे BJP में थे और रहेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के जिस मैनेजमेंट का लोहा माना जाता है उसे नारायण त्रिपाठी ने ध्वस्त कर दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रभावित होकर कांग्रेस में गए BJP विधायक अब वापस BJP के साथ हो लिए हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ भोपाल में BJP मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई सोच नहीं है। मैं भाजपा से अलग नहीं हुआ था, मैं मेहर को जिला बनाने के लिए CM कमलनाथ से संपर्क में था। सरकार किसी की रहे, क्षेत्र विकास के लिए हर नेता को मुख्यमंत्री से मिलना होता है, इसी संबंध में मैं CM कमलनाथ के संपर्क में था। मुख्य बात ये थी कि मैं कमलनाथ जी से लगातार संपर्क में था। मैयर को जिला बनाना है, मैयर की स्मार्ट सिटी काम करना है, तमाम काम हमारे रुक गए थे, तमाम मैयर काम अधूरे हो गए थे, तो मैं इस संबंध में लगातार बात किया कि वो देवी के धाम है, वहां का काम कीजिए, अन्यथा आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो मैयर के काम के लिए लगातार मैं संपर्क में था। सरकार किसी की भी बने, यदि हमारे अपने क्षेत्र का विकास करना होगा तो हमें जाना पड़ेगा। दिल्ली में या दूसरे की सरकार है, हमें काम कराना होगा तो जाना पड़ेगा। भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी साफ कर दिया कि नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। भाजपा के सभी विधायक एक हैं। सबके सामने विधायक नारायण त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस दिशाहीन है, कांग्रेस प्रलोभन की राजनीति नहीं कर पाएगी। CM से मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वही सरकार गिराने से जुड़े सवाल पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने फिर से दोहराया कि कमलनाथ सरकार अपने अंतरकलह से गिरेगी। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि नारायण त्रिपाठी झाबुआ उपचुनाव में पार्टी के लिए भी काम करेंगे। त्रिपाठी जी लगातार हम सभी के संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। बहुत बार लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र से संबंधित अन्य कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से, मंत्री से, इन सबसे मुलाकात, भेंट इत्यादि करते हैं। त्रिपाठी जी ने भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों से मुलाकात की तो मैं उसको गलत नहीं मानता, लेकिन उसका फायदा उठाने की कोशिश मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, उनके नेताओं ने जो की है वो निंदनीय है। पिछले दिनों विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान BJP के दो विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कमलनाथ सरकार के पक्ष में वोटिंग की थी। इनमें एक
एक मेहर के नारायण त्रिपाठी तो दूसरे शहडोल के ब्योहारी से शरद कोल थे। इसके बाद खुद कमलनाथ ने इन दोनों विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का दावा किया था, लेकिन आज बदले हुए घटनाक्रम में भाजपा अपने बागी विधायक की घर वापसी कराने में कामयाब हो गई है। मैग्निफिसेंट एमपी के आयोजन में पहले सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के इरादे से नई एमएसएमई विकास नीति 2019 को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति पर भी अपनी मोहर लगा दी है। सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दी। प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने स्टार्टअप नीति 2019 से संशोधन किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए। अब नए स्टार्टअप को 1 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा बेस्ट स्टार्टअप को 1 लाख का इनाम भी सरकार देगी। इसके अलावा पर्यटन नीति में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। ई वाहनों पर डिस्काउंट मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दे दी। इससे जुड़े कई नियमों को आसान किया गया है। किसी के पास अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका 2/3 उसके लिए यूज कर सकेगा, और जो उसमें खुद रहता हो जिस बिल्डिंग के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर, और उसमें उन लोगों को इसका पर्यटन का प्रशिक्षण देने का काम, वेबसाइट बनाने का काम, ये सब सरकार का पर्यटन विभाग करेगा। ये इससे रोजगार भी होगा, और जिनके अपने मकान हैं पर्यटन स्थल पर, वो 2/3 उसका उपयोग इसके लिए कर सकेंगे। 27 अलग अलग तरह के दस्तावेज देना होते थे, अब सरकार ने उनकी संख्या घटाकर मात्र 5 कर दी है। इसके अलावा कॉलोनी काटने के लिए 2 हेक्टेयर की जो सीमा तय की गई थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अब 2 हेक्टेयर से कम की जमीन पर भी नई कॉलोनी काटी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार जल्द अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण को लेकर एक्ट में संशोधन करेगी। वहीं सभी तरह की मंजूरियां एक ही जगह से मिल जाएं, इसके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता के दुख दर्द में ना तो आते हैं और ना ही मिलते हैं। इस सरकार को किसानों के हित में कोई मतलब नहीं है। सरकार के मंत्री तबादलों के रेट तय करने में व्यस्त हैं। झाबुआ में अतिवृष्टि ने पूरी फसल बर्बाद कर दी है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को फुर्सत नहीं कि किसान के खेतों में जाकर उनकी हालत देखें। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ के खेतों में पहुंचकर अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन की फसल का निरीक्षण किया और कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान परेशान है और मुख्यमंत्री को जनता के बीच जाने और उनके दर्द को जानने का समय नहीं है। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल पर शिवराज ने कहा कि क्या यही मॉडल है कि मुख्यमंत्री जनता के दुख दर्द में कहीं दिखते नहीं है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ट्रांसफर में कुछ पैसे दे भी दे तो दिक्कत क्या है। एक मंत्री चंबल ग्वालियर संभाग में टीआई के रेट 50-60 लाख बता रहे हैं। कम से कम मंत्री मिलकर बैठकर रेट ही तय कर लें पहले। मंत्री ये कह रहे हैं, अभी एक मंत्री ने कहा इंदौर में कि अगर दे भी दें कुछ पैसे ट्रांसफर में तो दिक्कत क्या है। एक मंत्री उधर ग्वालियर चंबल संभाग में कहते हैं टीआई के रेट 60 लाख है, 50 लाख। एक यहाँ अलग रेट बताते हैं, मंत्री कम से कम मिलकर रेट ही तय कर लें क्या है। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मैंने कपास और सोयाबीन को देखा है, सब बर्बाद हो गया है। पत्ते झड़ गए हैं, खेतों में इतने पत्ते पड़े हैं कि खेत की सफाई का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। किसान बेहाल है, सरकार मदमस्त है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को फुर्सत नहीं कि किसान के खेतों में जाएं, उनकी हालत देखें और मुआवजा देने की पहल करें। ये सरकार कह रही है कि फसल बीमा का देंगे तो मुआवजा नहीं देंगे। भाजपा सरकार तो फसल बीमा का भी पैसा देती थी और मुआवजा भी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को फुर्सत नहीं है तो वो किसान के खेतों में जाएं, उनकी हालत देखें और उसके बाद मुआवजा देने की पहल करें। अब तो ये सरकार और ये और कर रही है कि फसल बीमा योजना का मिलेगा तो मुआवजा नहीं देंगे। अरे मामा तो फसल बीमा योजना भी दिलवाता था, मुआवजा भी देता था। भाजपा की सरकार होती तो अब तक खाते में पैसा डल जाता, लेकिन ये सरकार किसानों की बदहाली पर कोई तकलीफ ही नहीं है इसको।
बीजेपी नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार लोगों से झूठ बोल रही है, न किसानों का कर्ज माफ किया और न ही उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया गया। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी को जो भाषण MP में देना था वो महाराष्ट्र में दे रहे हैं। कमलनाथ सरकार अब तक ना तो किसानों को कर्ज माफी का पैसा दे पाई है और ना उसकी फसल के नुकसान का मुआवजा। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही सही मान ले तो अभी तक तो सर्वे का काम भी शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का भाषण सुना, वो महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे और किसानों से पूछ रहे थे कर्जा माफ हुआ क्या, नौजवानों को रोजगार मिला क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मध्य प्रदेश वाली भाषण को महाराष्ट्र में पड़ गए, महाराष्ट्र में बोल दिया उन्होंने, क्योंकि घोषणा उन्होंने यहां की थी। और मेरी प्रार्थना है कि अगर महाराष्ट्र का ही था तो एक बार ये भाषण को मध्य प्रदेश में भी दोहराएं, क्योंकि यहां कर्जा माफ की तो बात चली क्या, जो आई फसल थी सोयाबीन की, उड़द की, मूंग की, तिल्ली की, वो भी साफ हो गई है और एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र दिखाए और कहा, सिंधिया ने पत्र में कमलनाथ से श्योपुर और मुरैना में किसानों का सर्वे कार्य प्रारंभ न होने की बात लिखी है। सिंधिया ने कमलनाथ से मांग की है कि किसानों को पिछले साल रबी की फसल का 100 रुपया बोनस दिया जाए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप कांड को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने विवादित बयान दिया है। इमरती देवी ने कहा कि ऐसे मामलों में गलती अक्सर महिलाओं की होती है, इसके बावजूद दोषी केवल पुरुष ही माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की महिलाओं की तरफदारी नहीं की जानी चाहिए जो पुरुषों को गलत तरीके से फंसाती है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का हनी ट्रैप मामले में एक और उटपटांग बयान सामने आया है। हनी ट्रैप केस में इमरती देवी अय्याश टाइप के पुरुषों के समर्थन में आ गई हैं। इमरती देवी ने कहा कि इस मामले में पुरुषों को गलत तरीके से फंसाया गया, ऐसे मामलों में गलती अक्सर महिलाओं की होती है, बावजूद इसके दोषी केवल पुरुष ही माने जाते हैं। इमरती ने कहा, मैं ऐसी महिलाओं की तरफदारी नहीं करती, अगर पुरुषों को गलत तरीके से फंसाया गया है तो पुरुषों पर कार्रवाई के बजाय महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। चाहे महिला हो वो चाहे पुरुष हो, अगर जिसकी गलती है ना, और ये कोर्ट कचहरी की बात तो हम नहीं जानते, हम बात जानते हैं अपने मन की, वो मन की बात करते हैं। चाहे महिलाओं की गलती होती है लेकिन पुरुष को दोषी माना जाता है, इसलिए अगर महिला की गलती है तो महिला को भी दोषी माना कोर्ट, ये तो हम कहते हैं। और ज़्यादा करके आज चाहे कहीं भी चले जाओ, कितने पैसे वाले हो, कितने गुंडा हो, कितने मवाली हो, जब तक महिला की गलती नहीं होगी जब तक पुरुष कोई गलती कर नहीं सकता। तो अगर ऐसे अगर पुरुषों को गलत फंसाया जाए तो हम नहीं चाहते कि हम महिलाएं तो महिला की तरफ आ जाए। हनी ट्रैप मामले में नामों के खुलासे को लेकर इमरती देवी ने कहा कि दिन भर आपको बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, लिहाजा इसकी जानकारी आप उनसे लें। गौरतलब है कि इस कांड में कई बड़े नेता और अफसर शाह घिरते दिख रहे हैं। इस केस में पकड़ी गई महिलाओं के पास से वीडियो क्लिपिंग की 4000 से ज्यादा फाइलें हाथ लगी हैं और कुछ तस्वीरें व ऑडियो क्लिप भी बरामद हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने एक काली कमाई के कुबेर के यहाँ छापा मारा तो अधिकारी ही उसकी संपत्ति देखकर दंग रह गए।
लोकायुक्त पुलिस ने सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के छतरपुर, रायसेन और इंदौर में ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस अधिकारी के पास मकान, बंगले, फ्लैट, फार्म हाउस, खेत और जेवरात सब मिला। लोकायुक्त को इस अफसर के पास से आय से अधिक संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। छतरपुर के रहने वाले मध्य प्रदेश के सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के बारे में लोकायुक्त पुलिस को जानकारी मिली थी कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसे इन्हें अपने रिश्तेदार और परिजनों की आय के रूप में दर्शाया है। लोकायुक्त ने इनके बारे में जानकारी मिलने पर जब कई शहरों में इनके ठिकानों पर दबिश दी गई तो इनकी संपत्ति देखकर छापामार कार्रवाई करने वाले भी आश्चर्यचकित रह गए। छतरपुर में आलोक खरे के पिता लालजी खरे रहते हैं। भोपाल लोकायुक्त के निर्देश पर सागर लोकायुक्त की टीम छतरपुर में कार्रवाई करने गई। लोकायुक्त डीएसपी नवीन अवस्थी का कहना है कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। रायसेन में विभिन्न स्थानों पर 7 टीमें हमारी गई है और यहाँ पर रायसेन में हम लोग इस रिजॉर्ट में इस फार्म हाउस में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ की इन्वेंट्री चल रही है, कार्रवाई चल रही है। 36 एकड़ में इनका ये फैला हुआ, इसमें संतरे और गुआवा वगैरह लगा हुआ है और ये बड़ा बहुत अच्छा रिजॉर्ट तरीका एक बनाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं सारी हैं। इसकी हम लोग सर्च कर रहे हैं। 5 लाख रुपए कैश यहाँ पर मिला है। 2 ट्रैक्टर यहाँ पर ले हैं और 2 ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पर ले हैं। उसको फार्म, दूसरा फार्म हाउस है डाबरा फार्म हाउस, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है, वहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। इंदौर के ग्रैंड एक्सोटिका सहित एक अन्य स्थान पर जब लोकायुक्त टीम पहुंची तो उन्हें ताला मिला। खरे की पत्नी रायसेन में फलों की खेती कर रही हैं और वे पत्नी के नाम से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे। रायसेन में उनके ठिकानों से 21 लाख रुपए नगद, इंदौर में उनका एक बंगला और एक फ्लैट है। अलग अलग जगहों पर लोकायुक्त पुलिस जांच कर रही है। जहां जहां भी टीम पहुंची है वहां खरे के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। भोपाल में मिसरौद इलाके की गोल्डन सिटी में उनके बंगले पर भी छापामार कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त पुलिस की 19 लोगों की टीम रायसेन में खरे के फार्म हाउस पर कार्रवाई कर रही है। रायसेन में उनकी 56 एकड़ की जमीन, 2 जगह आलीशान फार्म हाउस भी मिले हैं। खरे की पत्नी का नाम भी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति होने की बात सामने आ रही है। खरे के अब तक जितने भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं उनमें अधिकतर संपत्ति उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर ही बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में ही करोड़ों की संपत्ति के अलावा बंगलों और फार्म हाउस का खुलासा हो चुका है। इतना ही नहीं, इंदौर के पौश इलाके में एक पेंट हाउस और एक बंगला, भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में बड़ा बंगला और कोलार के फार्म हाउस, रायसेन में 2 फार्म हाउस का खुलासा हुआ है। खरे के छतरपुर स्थित निवास की कीमत भी करोड़ों रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव को लेकर जनता कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर को पत्र लिखा। जनता कांग्रेस ने समस्त मतदान केंद्रों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों को देने के साथ ही चुनाव को प्रभावित करने वाले राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से दूर रखने की मांग की है। चित्रकूट में भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अमित जोगी ने कलेक्टर को पत्र लिखा। जनता कांग्रेस ने कलेक्टर से मांग की है कि राजनीतिक दल जो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाते हैं और चुनाव को प्रभावित करते हैं उनको मतदान केंद्र से दूर रखा जाए। जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि समस्त मतदान केंद्रों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों को दी जाए। राज्य शासन के नियंत्रण में पदस्थ राज्य सशस्त्र बल, जिला बल या अन्य किसी पुलिस बल को मतदान केंद्रों की सुरक्षा ड्यूटी से अलग रखा जाए। इस बार हमने मांग करी है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही मतदान केंद्रों की सुरक्षा की ड्यूटी दी जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बात को निर्वाचन अधिकारी ने, निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया है। अब चित्रकूट पर जो चुनाव होगा उसमें स्टेट पुलिस का एक भी व्यक्ति मतदान केंद्रों की सुरक्षा में नहीं दिखने अमित जोगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग पैसा, शराब, साड़ी, आभूषण, मांस इत्यादि के वितरण पर भी रोक लगाए जिससे मतदान प्रभावित ना हो। गौरतलब है कि चित्रकूट में 21 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। यहां से कांग्रेस विधायक दीपक बैज के बस्तर से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद यहाँ चुनाव की जरूरत पड़ी है। क्रेशर की खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर तोड़े जा रहे थे तभी खदान से उछला पत्थर हाईवे से जा रही कार की छत से टीन फाड़ते हुए कार चला रहे बैंक मैनेजर के सिर में घुस गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा ही एक वाकया बैतूल के मुलताई थाना क्षेत्र के उभारिया गांव में हुआ, जहां खदान में क्रेशर से पत्थर तोड़ते जा रहे थे, तभी एक पत्थर उछलकर एक कार की छत से सीधे कार चालक के सिर में जा घुसा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कार एक बैंक का मैनेजर चला रहा था, मैनेजर के साथ उसके साथी भी कार में बैठे हुए थे। हादसे के बाद किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी भी मौत आ सकती है। बैंक मैनेजर के सिर में पत्थर लगने के बाद उनके बगल में बैठे मित्र ने जैसे तैसे कार संभाली और कार को खेत में नीचे उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि इंडस बैंक बैतूल में कार्यरत होशंगाबाद निवासी अशोक वर्मा मुलतई जा रहे थे। बैतूल नागपुर फोरलेन के नजदीक उभारिया ग्राम में अलवी क्रेशर की खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर तोड़े जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर स्टोन क्रेशर को सील कर दिया है। तो पता चला कि एक ब्लास्टिंग के तहत एक पत्थर उड़ा और वो पत्थर उड़कर इस चादर में जो ड्राइव कर रहे थे वो धंसा है। धंसने के बाद इनके सर में घुसा और सर में घुसने के बाद इनकी ऑन रोड मौत हो गई। ठीक है, उसके बाद जो दो लोग साथ में बैठे हुए थे और जो गाड़ी चालक थे उनका नाम था अजय सिन्हा, सॉरी अशोक वर्मा। पत्थर ड्राइवर के ऊपर के बरस ड्राइवर को सिर पे आया है, इसे चोट आई है और उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर विसंगत कार्रवाई तत्काल उसको अस्पताल भेजा गया। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर लहसुन से भरा ट्रक जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में अचानक आग लग गई। बीती रात आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। ये घटना खुरमपुरा के पास की है। ट्रक ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता तब तक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस ट्रक में लहसुन भरा हुआ था और ट्रक मंदसौर से बेंगलुरु जा रहा था। जब तक ट्रक में लगी आग बुझाने के उपक्रम किए गए तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। भोपाल नगर निगम को दो भागों में बांटकर शहर विकास किए जाने की कवायदे की जा रही हैं, मगर इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवारें खींची हैं। महापौर और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल इसे लेकर कलेक्टर से मिलने गए। इसके पूर्व पार्षद दल ने इस बंटवारे का विरोध करते हुए कहा कि इस बंटवारे में भोपाल का बंटाधार हो जाएगा और विकास भी प्रभावित होगा। नगर निगम की दृष्टि से भोपाल को दो हिस्सों में बांटने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि भोपाल को दो भागों में बांटने से शहर का विकास रुक जाएगा। दो भागों में बांटने से जनता को असुविधा होगी, लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी दूर जाना होगा। विकास के कई कार्य भोपाल को दो भागों में बांटे जाने से प्रभावित होंगे। आज बीजेपी के पार्षद महापौर आलोक शर्मा के साथ बस में बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। भोपाल शहर को दो हिस्सों में बांटने से कोलार, नरेला और गोविंदपुरा को जो कोला के अपने करोत के जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, वो अपने परिवारजनों की अंत्येष्टि के लिए छोला विश्राम घाट जाके अंत्येष्टि करते हैं। इस निर्णय से उनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोलार नगर निगम जाना पड़ेगा। इस सारे मुद्दों को हमने दावा आपत्ति में लिया है। पार्षदों का कहना था कि यदि इस मामले में न्यायालय भी जाना पड़ा तो वे न्यायालय जाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा पार्षदों और पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा है कि दो नगर निगम बनने के बाद केंद्र की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का भी लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। कहा जा रहा है कि पुराने शहर में जमीन की उपलब्धता काफी कम है, ऐसे में कई आवासीय प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। शहर के बाणगंगा क्षेत्र में भी आवासीय योजनाओं के लिए कार्य किया गया तो इसके लिए बहुत दूरी पर जमीन मिल सकेगी, ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज़।